नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी फाउंडेशन क्लासेस में तो गायज आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोडवेज डिपार्टमेंट में आने वाली बावन सौ पदों पर भर्ती के बारे में कौन से स्टेट में ये वैकेंसी आएगी कितने टोटल पद होंगे कब तक ये वैकेंसी आ सकती है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस भर्ती को लेकर हम लोग जानेंगे इस वीडियो में आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आई आई से संबंधित सभी जॉब अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुँचती रहे तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यहाँ पर देखिए गाइज ये जो है न्यूज़ कटिंग है 26 जून 2023 की बिल्कुल लेटेस्ट बिल्कुल नई अपडेट है ये रोडवेज़ में भर्ती को लेकर ठीक है तो सबसे पहले अगर बात करें कि वैकेंसी आएगी कौन से स्टेट में तो गायसी बीकानेर का जो है न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर ठीक है इसमें अपडेट है यानी कि राजस्थान का जो रोडवेज विभाग है राजस्थान का रोडवेज विभाग जो है उसमें वैकेंसी आने वाली है और यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हो जितने भी भारत के जितने भी सभी जो राज्यों के, के पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे टोटल जो पद हैं वो बावन पद रहने वाले हैं गाइस यहाँ पे देखिए मेन जो हेडलाइंस है इस वैकेंसी को लेकर वो ये है कि बावन पदों पर होगी भर्ती सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतज़ार तो यहाँ पे केवल सरकार की मंजूरी का इंतजार जो है रह गया है शेष जैसे ही सरकार से मंजूरी मिलेगी तुरंत ये वैकेंसी जो है जारी हो जाएगी आगे देखिएगा इस वर्ष 2013 के बाद नहीं हुई भर्ती प्रदेश में खाली पड़े हैं दस हज़ार चार सौ तैंतीस पद तो प्रदेश में पदों की संख्या जो खाली है वो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अभी जो वैकेंसी आएगी वो बावन पदों पर आने की संभावना है रोडवेज़ ने कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए बावन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है इसमें तीन हज़ार से ज़्यादा चालक और परिचालक शामिल है तो तीन हज़ार तो केवल चालक और परिचालक ही जो है इसमें मतलब चालक और जो कंडक्टर है ड्राइवर और कंडक्टर वो रहने वाले हैं ठीक है थीके? निगम ने रिक्त पदों की सूची तैयार कर प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार को भेज दिया है तो फाइनली जो वैकेंसी है रिक्त पदों की जो सूची है वो तैयार करके विभाग को सरकार को जो है मंजूरी के लिए भेज दिया गया है ख़ास बात यह है कि वर्ष 2013 के बाद रोडवेज ने अब जाकर स्टाफ भर्ती को लेकर प्रस्ताव भेजा है अब सरकार ने प्रस्ताव की मंजूरी मिलने का इंतज़ार किया जा रहा है नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे आवेदन के लिए देखिए यहाँ पे जो है वेबसाइट भी बताई गई है तो गाइस इस तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया है और इसके अलावा देखिए जो आयु सीमा है वो भी इसमें यहाँ पे दे रखी कि लगभग जो है अठारह से चालीस वर्ष तक जो युवा है वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे राइट इसके अलावा देखिए गाइस अगर मैं अलग अलग जो पद हैं उनकी अगर बात करूँ यहाँ पर तो यूँ भरे जाएंगे पद राजस्थान रोडवेज भर्ती दो के तहत आ, बावन पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया गया है जिसमें कनिष्ठ अभियंता के सौ पद होंगे कनिष्ठ विधि अधिकारी के पच्चीस कनिष्ठ लेखाकार के पचास पद इसके अलावा शीघ्र लिपिक के बीस पद और जो सहायक यातायात निरीक्षक है उसके एक सौ पच्चीस पद होने वाले हैं यहाँ पे ठीक है भंडार निरीक्षक के सौ पद संगणक के पचास पद कनिष्ठ सहायक के चौंतीस पद आर्टिजन ग्रेड थर्डी तृतीय के पंद्रह सौ परिचालक के दो हजार पद और चालक के एक हज़ार पद इस तरीके से जो है पदों का वितरण यहाँ पे रखा गया है तो जल्द ही जो है ये वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है पूरी तैयारी जो है इस वैकेंसी को लेकर की जा चुकी है तो जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं वो सभी जो है अपनी तैयारी करते रहे हैं जैसे ही वैकेंसी आए इस वैकेंसी का बेनिफिट आप सभी जो है आप सभी को मिल सके तो गाइज इसी वैकेंसी से रिलेटेड आगे की जो भी अपडेट्स होगी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचती रहेगी आज इस वीडियो में गाइज जितना ही मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद